उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे 1 अप्रैल 1937 को कुछ खास कारणों की वजह से बनाया गया था। इस राज्य का नाम पहले यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया था। बाद में देश आजाद होने के 3 साल बाद 12 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत में होने वाली किसी भी बात या घटना पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। सारी दुनिया में उत्तर प्रदेश को आगरा के ताजमहल, लखनऊ की नजाकत, बनारस के घाट, कर्णपुरिया और प्रयागराज का संगम इत्यादि कारणों की वजह से जाना जाता है। यहाँ की जनसंख्या हिंदुस्तान के सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश और भी कई कारणों से पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो चलिए आज हम उत्तर प्रदेश के ऐसे ही 5 अद्भुत रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं जिसके बारे में आप शायद पहले नहीं जानते होंगे। अभी तक आपने फूल की होली, लठमार की होली या फिर अलग अलग अंदाज में मनाई जाने वाली होली देखे या सुने होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसी अनोखी होली के बारे में बताने वाले हैं। ऐसी होली आप देश तो क्या पूरी दुनिया में नहीं देखे होंगे। दरअसल आज़ादी के कई सालों बाद भी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक अजीबोगरीब रिवाज है। यहाँ होली के दूसरे दिन शहर के चुनिंदा लोग लगभग पूरे नंगे होकर सिर्फ जूतों की माला पहनकर परेड निकालते हैं। यह एक खास प्रकार का जुलूस होता है जिसका नाम लॉर्ड साहब जुलूस रखा गया है। जुलूस में किसी एक व्यक्ति को लॉर्ड और उसे जुलूस के दौरान नग्न करके जूते चप्पल मारे जाते हैं। जानकारों के मुताबिक जूते मार होली अंग्रेजों द्वारा किए गए जुर्म का विरोध करने के लिए खेली जाती है। यह रोचक तथ्य सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यह सच है। दरअसल यूपी के कुछ क्षेत्रों में जब सूखा पड़ जाता है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, सिंचाई तक के लिए पानी नहीं होती, फसल सूखने लगते हैं, तब गांव की कुछ महिलाएं नंगी होकर बैल बनकर हल चलाती है। इससे उनका मानना है कि ऐसा करने से बारिश जरूर होगी, और जहां यह महिलाएं हल चलाती है उस जगह पर पुरुषों को जाना सख्त मना होता है। पूरे दिन में सिर्फ एक पुरुष ही वहाँ जाता है, वह भी पानी रख कर दूर से ही वापस चला जाता है। यह एक प्रकार का टोटका है। हालांकि अब यह नहीं होता होगा, ऐसा पहले होता होगा क्योंकि आजकल सभी लोग शिक्षित हो गए हैं। आप होली कितने दिनों तक खेलते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन। वैसे तो होली एक ही दिन का होता है, लेकिन यूपी के कानपुर में होली का पर्व एक दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन मनाया जाता है। यहाँ गंगा मेला लगने तक लोग रोज एक दूसरे पर रंग डालते रहते हैं। कहा जाता है कि संसार में सिर्फ 3 ही लोग अमर हैं, अश्वत्थामा, हनुमान जी और वेद व्यास। माना जाता है कि यह तीनों लोग उत्तर प्रदेश में ही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ मंदिरों में इन्हें देखे जाने का दावा किया गया है। अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा शिवराजपुर में स्थित खरेश्वर मंदिर में किया जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ शिवरात्रि महापर्व के दिन एक 10 फुट का इंसान बिना दिखे भगवान भोले की आराधना करता है और वापस चला जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि यह कोई और नहीं बल्कि द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा ही है, क्योंकि इस मंदिर का जिक्र महाभारत में भी किया गया है। द्रोणाचार्य जी इसी मंदिर में पूजा किया करते थे। वैसे ही हनुमान जी और वेदव्यास जी को भी कई मंदिरों में देखे जाने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि यह हर दिन कोई ना कोई मंदिरों में आकर पूजा करते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं। परिजात वृक्ष लखनऊ से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सारी दुनिया में अपनी तरह का एक अलग वृक्ष है। इस वृक्ष को इसके फूलों के लिए जाना जाता है जो हर दिन अपना रंग बदलते रहता है। लोगों का मानना है कि यह वही वृक्ष है जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी दूसरी पत्नी के लिए स्वर्ग से लाए थे। यह पेड़ दुनिया के अजीब पेड़ों में से एक है। दुनिया में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जो अपने फूलों का रंग बदलता है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि यह वृक्ष हमारे ही उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तो दोस्तों, यह थे उत्तर प्रदेश के कुछ रोचक बातें जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो अगर आप आगे भी इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे।